स्वागत है आप सभी का तैयारी शाला के क्यूज नाइट सेशन में। आज हम फिर से आपके सामने हैं 8:15 में, है ना। 8:16 हो गए, यानी मैं 1 मिनट लेट हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट सभी लोग आ जाएं, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और बता दें कि भाई कैसे हैं आप लोग, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से आप लोग आ जाएं और बता दें एक बार कि साउंड क्लियर है। हाँ जी, साउंड तो क्लियर है, मैंने चेक कर लिया है। सर आज लेट हो रहा है। जी बिल्कुल लेट हो रहा है, पहले सभी लोगों को आ जाने दो, कम से कम थोड़े और लोग आ जाएं, तब फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आज बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। आज बहुत ही मजा आने वाला है। और भाई क्यों? क्योंकि आज हमने स्टार्टिंग के जो प्रश्न लिए हैं वो 5 प्रश्न बायोलॉजी के लिए हैं, फिर 5 प्रश्न केमिस्ट्री के लिए हैं और 5 प्रश्न फिजिक्स के लिए हैं, ठीक है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो होंगे उनका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। और आज का पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, चलिए फटाफट जवाब दें कि बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। चलिए सबको गुड इवनिंग भाई, आप पहले नंबर प्रश्न का जवाब दें कि बीसीजी टीके में सी शब्द का क्या अभिप्राय है। कैलमेट, कफ, क्लोरीन या फिर कैडमियम। पहले नंबर प्रश्न का देखना होगा कि भाई जवाब सबसे पहले किनका आता है। मोनी सिन्हा का सबसे पहले जवाब आया है, फिर पंकज राजपूत, सुरेश कुमार चौधरी, बाकी के लोग फटाफट जवाब देंगे। चलिए सभी लोग आ गए हैं भाई, बहुत ही टाइम पे हैं आजकल सब, और फटाफट जवाब दें। आज हम फिर से 35 प्रश्न लिए हैं। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के जो प्रश्न हैं 5 प्रश्न वो बायोलॉजी से हैं, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद हम आर्ट्स पेपर में एंट्री करेंगे, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न है, यानी आज पूरा मिक्सअप है भाई, बड़ा ही मजा आने वाला है। चलिए फटाफट पवन कुमार गुड इवनिंग भाई, और पहले नंबर प्रश्न का सभी लोगों ने जवाब दे दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। चलिए सभी लोग आ गए हैं और सही जवाब जो होगा वो ए होगा। जिन्होंने भी ए कहा उनका जवाब बिल्कुल सही है और ज्यादातर लोगों का जवाब सही था, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न का जवाब देना आपको कि काला ज्वर का संचार किससे होता है। सिकता मक्खी, काली मक्खी, सीसी मक्खी या फिर चिंचड़ी। चलिए फटाफट जवाब देंगे दूसरे नंबर प्रश्न का, और सेशन को लाइक करते जाए भाई, लाइक करने में ज्यादा टाइम मेरे ख्याल से नहीं लगता है। तो आपका बनता है भाई कि लाइक कर दें। दीपक कुमार कह रहे हैं क्या सर। चलिए फटाफट दूसरे नंबर प्रश्न का जवाब दें दीपक जी और अंजन कुमार, जो भी लोग देख रहे हैं बाकी के। आशु सिन्हा शायद पहली बार आ रहे हैं क्यूज नाइट के सेशन में, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिनको नहीं पता है भाई आराम से देख के बैठ के देखते रहें, आपको तुरंत बाद जो है क्वेश्चन का आंसर भी शो करवाया जाता है, सो आप वहां से भी सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न का ज्यादातर लोगों ने जवाब यहाँ पे दे दिया है। कई लोग ए कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं, सी भी और डी भी कह रहे हैं भाई, यानी कुछ तो गड़बड़ है। अब देखना होगा कि भाई सही जवाब क्या है, और दूसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो ए होगा, काला ज्वर। ये हमने प्रश्न पहले भी लिया है क्यूज नाइट के सेशन में, सो हम ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि आप में से ज्यादातर लोगों का सही जवाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलत आ गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और आपको बताना है कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं भाई, जीवाणु, विषाणु, शैवाल या फिर कवक। ऑप्शन उल्टा पुल्टा है जी, ऑप्शन उल्टा पुल्टा तो रहेगा, जरूरी थोड़ी है कि हम जो यहां से पढ़ के जाएंगे वो पेपर में सेम टू सेम आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो आप ऑप्शन ना रटें, आपको सही जवाब पे ध्यान देना है ना, ऑप्शन तो उल्टा पुल्टा रहेगा ही भाई। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न का जवाब दें, बैक्टीरिया, वायरस, सवाल या फिर कवक। फटाफट जवाब आना चाहिए भाई। तीसरे का सबसे पहले जवाब शालिनी का आया है, फिर सूरज कुमार चौधरी, राखी कुमारी, अंकित सिंह, शिवम शुभम, अरब कुमार, निमसा राजानंद, मोनी सिन्हा, पंकज राजपूत। चलिए सभी लोगों का जवाब यहाँ पे आ रहा है, और ज्यादातर जवाब जो आ रहा है वो ए आ रहा है और डी आ रहा है। अब भाई देखना होगा कि तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है, और मेरे ख्याल से अब तक सिर्फ मोहन गुप्ता का सही जवाब आया है, ठीक है। तीसरे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी होगा, ना कि ए और ना ही डी, ठीक है। जिन लोगों ने सी छोड़ के कोई भी जवाब दिया है उनका जवाब बिल्कुल गलत है,
आप एक बार ध्यान से इसको डाउनलोड करके जरूर पढ़ें, तभी आपको पता चलेगा कि सही जवाब क्या है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। आपको मैंने पहले ही कहा है कि पांच प्रश्न जो हैं वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से हैं। चलिए बताइए यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज। आपको बताना है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, डीडीटी का, गंबूसिया तेल या फिर विलेप का। फटाफट जवाब आने चाहिए यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न का। शालिनी का सबसे पहले जवाब आया भाई, फिर राखी का, निमिषा राजानंद, मोनी सिन्हा, शिवनाथ कुमार, कृति सिन्हा। भाई बाकी के लोग एक बार लाइक जरूर कर दें भैया, आपसे हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो भाई आप। चौथे नंबर प्रश्न का जवाब देखिए यहाँ पे सभी लोगों का आ रहा है। अब देखना होगा भाई कि सही जवाब क्या है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो ए कह रहे हैं और कुछ लोगों का बी भी आया है। प्रमोद महाजन, हमें समझ में नहीं आ रहा है आप कभी चौथे नंबर प्रश्न का आंसर दे रहे हैं कभी तीसरे का। हाथ ना जोड़े सर। शिवनाथ जी आप हमारे बड़े भाई जैसा हैं, हाथ ना जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, आप ही हमारे सब कुछ हो। ठीक है, आपके बिना हम पता नहीं 12 घंटे कैसे गुजारते हैं। चलिए चौथे नंबर प्रश्न का जवाब हम ले लेते हैं और बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो बी है। गंबूसिया एफिनिस तथा कुछ साइप्रिनिड्स का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। छोटे भाई हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भाई भाई हैं भाई। चलिए पांचवें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि इबोला क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फिर कवक है। इस प्रश्न का भी मैंने पहले चर्चा कर चुका है क्यूज नाइट सेशन में, सो आपके जवाब सही आने चाहिए पांचवें नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दें। अब देखते हैं भाई कि इवोला क्या है। ये सबसे पहले जवाब सोमिया का यहाँ पे आ गया है, फिर शिवनाथ, शालिनी कुमारी, सूरज कुमार चौधरी, मोहन गुप्ता, निमिषा राजानंद, आरव कुमार, सबका जवाब आ रहा है भाई। देखना होगा कि सही जवाब क्या है। ये पहले भी डिस्कस किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया गया था लेकिन इबोला के बारे में जरूर हमने डिस्कस किया है जहां तक मुझे याद है। विकास कुमार शायद क्यूज नाइट के सेशन में पहली बार आए हैं। चलिए विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ रेगुलर रहें ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोगों का जवाब आ गया है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इबोला एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, ये हैजा का वायरस था शायद। ठीक है, बाकी के डिटेल्स आपके प्रश्न के नीचे दिए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड करें और पढ़ें इसे जरूर। ठीक है, चलिए छठे नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है यानी रसायन शास्त्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि अम्ल वर्षा एसिड रेन जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड से, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से या फिर नाइट्रोजन और मीथेन के ऑक्साइड से। चलिए यहाँ पे सभी लोगों का जो जवाब आ रहा है छठे नंबर प्रश्न का वो ए आ रहा है। अब हमें देखना होगा कि भाई सही जवाब क्या है। अब तक सब लोगों का जवाब सेम रहा है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है बाकी के लोगों का जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले भाई और हमारे साथ रेगुलर रहें। 8:15 में हम हर रोज यहाँ पे क्यूज नाइट का सेशन करते हैं। ठीक है, चलिए सिर्फ मोहन जी का जवाब बी आया है, बाकी के लोग ए कह रहे हैं। अब देखना होगा कि भाई सही जवाब क्या है। और ए बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण एसिड रेन होती है। ठीक है, चलिए दीपक जी आप जब भी किसी प्रश्न का जवाब दें तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइनाइड या फिर कैल्शियम सल्फेट। फटाफट जवाब दें। नीरज सिंघानिया कह रहे हैं कि भाई नेट इशू है जी, कभी कभी परिस्थितियां हमारी विपरीत हो जाती है फिर भी हमें कायम रहना है, यानी हम जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, हम अपनी स्थिति को कायम रखेंगे भाई चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग ऐसा किए हुए हैं अभी कि लॉकडाउन में घर पे यानी अपने गांव गए हुए हैं और बहुत ही मजे कर रहे हैं गांव में, तो वो तो ठीक है भाई लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना चाहिए था उन्हें, बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है उन्हें। ठीक है,
चलिए यहाँ पे हम सातवें नंबर प्रश्न का डिस्कस कर रहे थे और हम देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। और सातवें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी डी कहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है, बाकी के लोगों का जवाब गलत है। जिनका भी डी आया है वो सही है, बाकी के लोग गलत हैं, ठीक है। चलिए आठवें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह संयोजक यौगिक है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आठवें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। आज हम 35 प्रश्न लिए हैं जिसमें से 15 प्रश्न जो हैं वो साइंस से हैं, बाकी के प्रश्न आर्ट्स और करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है। चलिए आठवें नंबर प्रश्न का फटाफट जवाब दें। और सबसे पहले जो जवाब आया है वो आठवें का, वो शिवम बॉस का आया है भाई, वो आठवें का सी कह रहे हैं, दीपशिखा सभी लोगों का सी आ रहा है फटाफट, बहुत ही तेजी से कमेंट आने स्टार्ट हो गए। अब आठवें का डी कह रहे हैं, डीके सिंह, प्रमोद महाजन डी कह रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। और आठवें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी डी कहा है यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिन्होंने भी कहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है, बाकी के लोगों का जवाब गलत है। यहाँ पे आराधना कुमारी जी ने भी सही जवाब दिया है, फिर अंकित सिंह का जवाब गलत है भाई, सूरज कुमार चौधरी आपका भी जवाब गलत है। आप एक बार पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और एक बार इसे देखें जरूर, ठीक है। चलिए नौवें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि निम्नतर वायुमंडल में, ये क्या है भाई, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। नौवें नंबर प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है। राजेश जी हम ऑफलाइन की चर्चा ऑफलाइन में करेंगे, फिलहाल हम ऑनलाइन में क्लासेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे आप फोकस करें, ठीक है। अब ये भी मतलब निश्चित नहीं है कि कब क्लासेस खुलेगी, सो जब खुलेगी जब हम उसकी चर्चा वहां पे करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ नौवें नंबर प्रश्न का जवाब दें। और नौवें नंबर प्रश्न का ज्यादातर जवाब जो आया है वो डी आया है। अब हमें देखना होगा कि भाई सही जवाब किनका किनका है, ठीक है। नौवें नंबर प्रश्न का ज्यादातर जवाब डी है, प्रिया मल्होत्रा ने जवाब ही नहीं दिया भाई। गुड्डू कुमार चौधरी भी हमारे साथ आ गए हैं भाई, गुड्डू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आप हमारे साथ रेगुलर रहे हम ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए नौवें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो डी है, जिन्होंने भी डी कहा था उनका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत आप लोग सही तरीके से आज जवाब दे रहे हैं क्योंकि साइंस के प्रश्न हैं और मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टूडेंट का बैकग्राउंड जो रहा होगा वो साइंस ही रहा होगा, ठीक है। चलिए दसवें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है यहाँ पे कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये तो भाई सभी को पता होना चाहिए कि अवोगाद्रो ने किया था, डाल्टन, न्यूटन या फिर पास्कल ने। फटाफट जवाब दे भाई दसवें नंबर प्रश्न का। और बाकी के जो लोग नए होंगे वो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए दसवें का सबसे पहले जवाब यहाँ पे स्नेहा का आया है, फिर राखी कुमारी, प्रमोद महाजन, बाकी के लोग जवाब दे रहे हैं भाई। शिवनाथ का भी जवाब आ गया है, शिवम बॉस। ऐसे टाइटल ना लगाया करें भाई, अपने नाम का टाइटल डरावना मत रखें वरना सामने वाला कई बार डर जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये देखो नाम लेते हाजिर हो गए हमारे मुकेश भाई, मुकेश टाइगर, टाइटल तो देखो इनका कितना खतरनाक है। मेरे जैसा कमजोर आदमी रहे तो अकेले में डर ही जाए। दसवें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है भाई वो बी है और ज्यादातर लोगों का जवाब आया था बी, वो बिल्कुल सही है, यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है वो डाल्टन ने दिया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और आपको बताना है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। समान वेग और परिवर्ती त्वरण या फिर समान चाल समान वेग का, समान चाल परिवर्ती वेग या फिर समान चाल परिवर्ती वेग का। यहाँ पे आप ऑप्शन जो देखेंगे वो अगर इंग्लिश में देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, दिक्कत होता है इसलिए पूछ रहा हूं जी। जब ऑफलाइन क्लास चालू होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजेश जी आप हमारे साथ सिर्फ रेगुलर बने रहें, आपको हर चीज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहेगा, ठीक है। आप बिंदास रहें। और 11वें नंबर प्रश्न का आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपको ऑप्शन जो देखने हैं वो इंग्लिश में अगर देखें
तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेम स्पीड समान चाल दिया गया है, यूनिफॉर्म स्पीड उसका भी हिंदी समान चाल ही लिखा गया, कई बार गलती हो जाता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे सब लोगों का जवाब आ गया भाई। अब देख लेते हैं कि सही जवाब क्या है इसका, और ए इसका सही जवाब होगा। सो कंफ्यूजन का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, 11वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब था वो ए था, जिन्होंने भी ए कहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। और हमें नहीं लगता है कि सिर्फ विनय जी का जवाब ए था, अंकित सिंह का जवाब ए था, शिवनाथ कुमार का ए था भाई, बाकी के लोगों का गलत जवाब है। चलिए, आप 12वें नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना है। संदीप शर्मा जी भी आज आ गए हैं, कल कहाँ थे भाई आप? संदीप जी, 12वें नंबर प्रश्न का फिलहाल आप जवाब दें कि द साउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज यूजुअली कंसिस्टेंट विथ 1 डेसिबल, 100 डेसिबल, 1000 डेसिबल्स या फिर 10 डेसिबल्स। फटाफट जवाब दें। चलिए, 12वें नंबर प्रश्न का फटाफट जवाब दें। अब देखना होगा कि भाई 12वें नंबर प्रश्न का सबसे पहले जवाब प्रमोद महाजन जी का आया है, और यह शायद सबसे पहली बार किसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जवाब तो देते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। मोहन गुप्ता का भी जवाब आ गया भाई यहाँ पे 12वें का, फिर सूरज कुमार चौधरी, शालिनी कुमारी, शिवनाथ कुमार, रणवीर कुमार, नीरज सिंघानिया, सभी लोगों का जवाब आ रहा है। वीके गुप्ता शायद हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और इन्होंने 1 का है। वीके गुप्ता जी, आपको बता दें कि आप जब भी किसी प्रश्न का जवाब देना तो वहां पे क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करना होगा आपको, और साथ में ऑप्शन लिखना होगा कि भाई 12वें का ए होगा, 12वें का बी या फिर 12वें का सी, इस तरीके से जैसे बाकी के लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 12वें नंबर प्रश्न का फिलहाल हम जवाब ले लेते हैं, और बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, गुज्जू कुमार चौधरी 11वें नंबर का प्रश्न जवाब अभी दे रहे हैं, शायद इनका नेट स्लो हो सकता है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। बिना फालतू की बातें किए हुए हम बैक टू बैक प्रश्न आज करेंगे। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन एज अ पेयर, बल एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं ऊर्जा या फिर गति एवं शक्ति। 13वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं। और सबसे पहले जवाब यहाँ पे शालिनी का आया है, लेडीज फर्स्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अंकित सिंह सेकंड नंबर पे है भाई, सोम्या राज का भी जवाब आ गया है, 13वें का सी कह रहे हैं, शिवनाथ का भी जवाब आ गया है, संदीप शर्मा शायद आपका नेट स्लो है, 12वें प्रश्न का भी आप जवाब दे रहे हैं, नीरज सिंघानिया, चलिए भाई सभी लोगों का जवाब आ गया है यहाँ पे। फटाफट बाकी के लोग जवाब दें, कमेंट बहुत ही तेजी से जा रहे हैं इसलिए हम सब लोगों का नाम यहाँ पे लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, वीके गुप्ता जी, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए, 13वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो सी होगा। ठीक है, और जिन्होंने भी सी कहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पे गुड्डू कुमार चौधरी, प्रमोद महाजन, यानी ज्यादातर लोगों का जवाब सही है। चलिए, अब आपको 14वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स और रूल्स अप्लाई टू द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल। वीडियो रुक रहा है, ऐसा तो नहीं है भाई? आराधना कुमारी कह रहे हैं कि वीडियो रुक रहा है, जबकि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी के लोग फटाफट जवाब दें भाई। सॉरी, 14वें नंबर प्रश्न का सभी लोगों का जवाब आ गया है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब जो है वो सी है, और ज्यादातर लोगों का जवाब बिल्कुल सही है भाई। आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं साइंस के प्रश्नों का, और पता नहीं इकोनॉमिक्स आते ही सबकी, आपको पता ही कौन याद आ जाती है जो हमें बचपन में याद आती थी मार खाने के बाद, है ना। चलिए, 15वें नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना है, और ये प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी से है। आप बताएं कि अल्फा अल्फा, नाम बड़ा अजीब सा है, अल्फा अल्फा एक प्रकार का क्या है, खनिज है, जाति है, घास है या फिर सर है? आपको जवाब देना है 15वें नंबर प्रश्न का कि अल्फा अल्फा जो है वो क्या है।
पंद्रहवे का सबसे पहले जवाब जो आया है वो शिवनाथ का आया है, फिर निमिषा राजानंद, रणवीर कुमार ए कह रहे हैं, स्नेहा कुमारी सी कह रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जो जवाब आ रहा है वो यहाँ पे सी है, कुमार शिवम बॉस कह रहे हैं भाई 15 का डी। बाकी के लोगों का जवाब जो आ रहा है वो सी आ रहा है भाई। अब देखना होगा कि सही जवाब क्या है, और आपको भी पता है कि जिस का जवाब ज्यादातर सेम होता है वही सही जवाब होता है। ठीक है, 15 का ए कह रहे हैं वीके गुप्ता, जबकि गड़बड़ है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, संदीप शर्मा भी ए कह रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, और सी बिल्कुल सही जवाब है। अल्फा अल्फा जो है वो एक प्रकार का घास है। ठीक है, चलिए आपको बताना है, ये भी प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी का है, कि तिब्बत में किसका दूसरा नाम तसांगपो है। तसांगपो के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है क्विज़नाइट के सेशन में। सी इज राइट, जी सी राइट है। 15वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी ही होगा। ठीक है आराधना जी, आपका जवाब सही था। 16वें का जवाब यहाँ पे देना है, अगर आप बाई ऑप्शन चलेंगे तो भी यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, या फिर तसांगपो के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, सो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपके जवाब बिल्कुल सही रहेंगे, है ना। चलिए फटाफट जवाब दे भाई बाकी के लोग, सभी लोगों का जवाब आ रहा है यहाँ पे। शशि रंजन कुमार 15वें नंबर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, आई होप कि इनका नेट स्लो होगा। चलिए सभी लोगों का जवाब आ रहा है यहाँ पे, अब हमें देखना होगा कि भाई सही जवाब क्या है। और सी बिल्कुल सही जवाब है 16वें नंबर प्रश्न का। तसांगपो जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है, कहाँ तो तिब्बत में। ठीक है, चलिए अब आप बता दें कि व्हाट इज द मोल्टन स्टोन अंडर द ग्राउंड प्लेन कॉल्ड। आपको बताना है कि पृथ्वी तल के नीचे के पिघले पत्थर को क्या कहते हैं, बेसाल्ट, लैकोलीथ, लावा या फिर मैग्मा। फटाफट जवाब दें 17वें नंबर प्रश्न का, और आई होप ये आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों के जवाब जो आने चाहिए वो बिल्कुल सही आने चाहिए। 17 का भाई ज्यादातर जवाब जो आ रहा है ना वो डी आ रहा है, जबकि वीके गुप्ता सी कह रहे हैं। वीके जी आपका ज्यादातर प्रश्न का जवाब गलत आता है, सो आप हमारे साथ अगर रेगुलर रहेंगे ना तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि 10 दिनों में आप भी इन लोगों की तरह सही जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपके रिवीजन बहुत अच्छे हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए 17वें का सही जवाब हम ले लेते हैं, और डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी पृथ्वी तल के नीचे के पिघले पत्थर को जो है वो क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। आपने कई बार हॉलीवुड के मूवी में ये चीज देखा होगा। ठीक है, और ये तो बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। चलिए बताएं आप यहाँ पे 18वें नंबर प्रश्न का जवाब, कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पे चार पर्वत के प्रकार दिए गए हैं, आपको बताना है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत। चलिए फटाफट जवाब दें भाई, और सेशन जिन लोगों ने नहीं लाइक किया है उनसे हमारा फिर से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जरूर एक बार सेशन को लाइक कर दें। और 18वें नंबर प्रश्न का सबसे पहले जवाब यहाँ पे शालिनी ने दिया है, फिर सूरज कुमार चौधरी का आ रहा है, कुमार शिवम का आ रहा है भाई, शिवम शुभम, रणबीर कुमार, डीके सिंह, प्रमोद महाजन। चलिए फटाफट जवाब सभी लोग दें भाई। 35 प्रश्न हैं और अभी हमने सिर्फ 18 किए हैं, यानी आधा पड़ाव हमने पार कर लिया है, नेट इशू हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों के नेट इशू हो रहे हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करें और एक बार वहां से रिवीजन कर ले अपना, है ना। और 18वें का जो सही जवाब है वो ए होगा, ना कि बी और सी होगा। ठीक है, ए इसका सही जवाब है भाई, वलित पर्वत का उदाहरण है ये, और वलित पर्वत तो भाई ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरीके से आप इसको जो है मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है हिमालय पर्वत को, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो परतदार पर्वत कहेंगे इसको। ठीक है, हिमालय पर्वत को। चलिए अब आप 19वें नंबर प्रश्न का जवाब दें, कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एटमोस्फेयर। आपको बताना है कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। आसान सा प्रश्न है, और हम उम्मीद करते हैं कि अरब कुमार ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो सही जवाब था, बाकी के वलित पर्वत इसे कहते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो सही था भाई। 19वें नंबर प्रश्न का जवाब फिलहाल आप दें,
और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप एक बार आंसर्स अपने रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। 19वें नंबर प्रश्न का यहाँ पे सभी लोगों का जवाब आ रहा है भाई। चलिए अब देख लेते हैं कि भाई सही जवाब क्या होगा 19वें नंबर प्रश्न का, और ज्यादातर लोगों ने नहीं, सभी लोगों ने डी कहा है, तो डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये आसान सा प्रश्न था, देखिए आराधना जी ने गलत कर दिया भाई, आप तो रिकॉर्ड ही तोड़ने पे लगे हो। चलिए 20वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार, यानी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, ठीक है। 20वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 167, 169, 170 या फिर 168, फटाफट जवाब देंगे आप लोग 20वें नंबर प्रश्न का। और सबसे पहले जवाब सूरज भाई ने दिया है, फिर शालिनी कुमारी का डी आ रहा है, शिवम बॉस का बी आ रहा है, दीप्सी का भी बी कह रहे हैं, निमिषा राजानंद बी कह रहे हैं, आरव कुमार बी। चलिए फटाफट बाकी के लोग जवाब दें और रेगुलर रहें, सबसे बड़ी बात है कि आप रेगुलर रहें, अभी तो आपको कहीं जाना भी नहीं है, घर पे रहें, सेफ रहें और रेगुलर रहें, ये भी आपको रहना है, ठीक है। घर पे रहें, सेफ रहें और रेगुलर रहें। चलिए 20वें नंबर प्रश्न का हम जवाब ले लेते हैं, और डी इसका सही जवाब होगा, ना कि बी, ठीक है। जिन्होंने भी डी कहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पे नीरज सिंघानिया जी का जवाब सही था, और जिन लोगों ने भी डी कहा होगा उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए फिलहाल आप 21वें नंबर प्रश्न का जवाब दें कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर्स वर्क इज डिफाइंड, यानी मुख्यमंत्री के कार्यकाल को, यानी कार्य को जो है परिभाषित किया गया है किस आर्टिकल में, आपको ये बताना है। अनुच्छेद 166 यानी 166, 163, 167 या फिर 164, फटाफट जवाब देना होगा आपको यहाँ पे 21वें नंबर प्रश्न का। चलिए प्रिया मल्होत्रा अभी 19वें नंबर प्रश्न का जवाब दे रही हैं, और इनका अक्सर लेट आता है जवाब, इनका नेट इशू रहता है भाई। और सबसे पहले जवाब यहाँ पे अंकित जी का आ रहा है, फिर शालिनी कुमारी 21 का डी कह रहे हैं, दो लोगों का जवाब आया अभी तक और दोनों का डिफरेंट है। चलिए अभी सेम आ रहा है भाई, सबका डी आ रहा है, मोहन गुप्ता ने ए कहा है, पवन कुमार ने भी ए कहा है, सौम्या राज बी कह रही हैं, अब कोई सी कह दो भाई सारे के सारे कवर हो जाएंगे। देखो सी भी कह दिया, दीपक कुमार ने सी कहा है, यानी ए बी सी और डी, बारी बारी से सभी लोगों ने सारे ऑप्शंस को पढ़ दिया। अब भाई सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कॉपी करें तो करें किसका, है ना। 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, और कट कॉपी पेस्ट ना करें, यहाँ पे फंस जाएंगे भाई आप, दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। अब हम इसका सही जवाब ले लेते हैं, और सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सिर्फ दीपक कुमार का सही जवाब है, बाकी के लोगों का जवाब गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है, ना कि अनुच्छेद 164 में, ठीक है। अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए 22वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विच फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस ओनली, यानी भाषा के आधार पर भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जिन्हें अलग किया गया था, यानी भाषा के आधार पे उन्हें बनाया गया था, कौन सा राज्य है भाई, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर पंजाब। 22वें नंबर प्रश्न का जवाब सबसे पहले शिवम का आया है, फिर शालिनी का आ रहा है, फिर सूरज कुमार, राखी कुमारी, अंकित सिंह, सोनी। चलिए फटाफट जवाब आने लगे हैं, अब देखना होगा कि भाई सही जवाब क्या है। 13 प्रश्न और हैं। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यूज नाइट के सेशन में, आप शायद क्यूज नाइट के सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रेगुलर रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और रेगुलर रहें। चलिए 22वें नंबर प्रश्न का यहाँ पे ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया है वो बी दिया है, और बी बिल्कुल सही जवाब है, आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनाया गया था उसे, ठीक है। चलिए 23वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, ये आसान सा प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, के वी के सुंदरम या फिर सुकुमार सेन, जी वी मावलंकर या फिर टी स्वामीनाथन। 23वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना होगा यहाँ पे, अब देख लेते हैं कि भाई सही जवाब किनका आता है और सबसे पहले जवाब किनका आता है, दो ही चीज तो यहाँ पे, शालिनी का सबसे पहले जवाब आ रहा है,
फिर शिवम बॉस का भी आ रहा है भाई, सूरज कुमार चौधरी, कृति सिन्हा, सभी लोगों का जवाब आ रहा है बी। और हमें देखना होगा कि भाई सही जवाब क्या है। ये आसान सा प्रश्न है तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रिया मल्होत्रा ने सी का दिया भाई, दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए पवन जी भी सी कह रहे हैं, मोहन गुप्ता, पवन कुमार और मोहन गुप्ता का अक्सर जो है जवाब सेम आता है, पता नहीं दोनों भाई भाई हैं क्या। और 23वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, ना कि सी होगा। पवन कुमार और मोहन गुप्ता, सी जवाब नहीं होगा, इसका जवाब बी होगा। ठीक है, चलिए 24वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे चार पद के नाम दिए गए हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री या फिर राष्ट्रपति। फटाफट जवाब दें आप 24वें नंबर प्रश्न का। द जजेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाई गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। सबसे पहले जवाब शालिनी का आ रहा है 24वें का, फिर हम देख लेते हैं कि भाई जवाब किनका आ रहा है। चलिए 24वें नंबर प्रश्न का सभी लोगों का जवाब आ रहा है, मोहन गुप्ता, प्रिया मल्होत्रा, अरब कुमार, प्रमोद महाजन, सभी लोगों का जवाब आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, और ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब आपके स्क्रीन पे 25वां नंबर प्रश्न ये रहा, अब आपको जवाब देना है कि कौन सी राज्य सरकार उन लोगों के लिए रोको टोको अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। वाह वाह, नाम क्या है भाई, रोको टोको, बच के रहना वरना रोको टोको हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न है, आपको जवाब देना होगा यहाँ पे, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। और सबसे पहले जवाब 25वें का शालिनी का आ रहा है, फिर देख लेते हैं किन किन का जवाब आ रहा है। सभी लोग सी कह रहे हैं, कुमार शिवम बॉस कह रहे हैं बी, प्रिया मल्होत्रा का सी आ रहा है। रणवीर कुमार, चलिए सभी लोगों का सी आ रहा है, और ज्यादातर लोग अगर सी कह रहे हैं तो सी ही इसका सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। यानी रोको टोको अभियान जो है वो मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के लिए ये अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आप 26वें नंबर प्रश्न का जवाब दें कि कौन सा देश ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है, जर्मनी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रसिया। फटाफट जवाब दें आप 26वें नंबर प्रश्न का। और सतपाल जी हमारे पड़ोसी हैं, सतपाल भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है, टाइम मिले तो आप रेगुलर रहें, है ना। और ये 25वें का सी कहे थे शायद, और क्वेश्चन नंबर आप जरूर मेंशन करें 26वें नंबर प्रश्न का, बाकी के लोग जवाब दें। और सबसे पहले जवाब शालिनी का आया है, फिर डीके सिंह, कृति सिन्हा, राखी कुमारी, निमसा राजानंद, नीरज सिंघानिया, सभी लोगों का जवाब आ रहा है भाई 26वें नंबर प्रश्न का। ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, 26वें नंबर प्रश्न का ज्यादातर लोगों ने बी कहा है। सतपाल जी आप जब भी किसी प्रश्न का जवाब दें तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें, ताकि हमें ये पता चले कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 26वें का ज्यादातर लोगों ने बी कहा है, और बी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश जो है वो भारत बन गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, 27वें नंबर प्रश्न का जवाब आपको यहाँ पे फिलहाल देना है, हम बिना किसी फालतू की बातों के आज हम बैक टू बैक प्रश्न कर रहे हैं, आपको जैसा कि स्टार्टिंग से ही पता चल गया होगा। आपको बताना है कि किस देश की दो नई असॉल्ट राइफल्स, अरद और कारमेल, अब मध्य प्रदेश में भारत में निर्मित होने वाली है। यानी अरद और कारमेल राइफल्स जो है अब भारत में निर्मित होगी मध्य प्रदेश में। आपको बताना है कि ये किस देश के राइफल्स थे, इसराइल, अफगानिस्तान, लेबनान या फिर ए और बी। फटाफट जवाब देंगे, और सबसे पहले शालिनी का जवाब आ रहा है यहाँ पे, फिर राखी कुमारी, रणवीर कुमार, नीरज सिंघानिया, मोनी सिन्हा, निमिषा राजानंद, शिवनाथ कुमार, अंकित सिंह, विकास कुमार, सतपाल कुमार, डीके सिंह, सभी लोगों का जवाब ए आ रहा है, और कुछ लोगों का डी आया था, निमिषा राजानंद का और शिवनाथ का डी आया था भाई, पवन जी का भी डी आ रहा है, और भगवान पता नहीं कहाँ चले गए, एक दिन दर्शन दिए फिर तो उनका दर्शन ही दुर्लभ हो गया भाई, गणेश कुमार आ ही नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं,
हम देख लेते हैं 27वें का सही जवाब क्या होगा। और ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी अरद और कारमिल राइफल्स जो है वो इसराइल के थे, अब वो मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भी बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए 28वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड थ्रू विच RS 75,000 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत डिजिटलीकरण कोष की घोषणा की है जिसके माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गूगल, फेसबुक, एमेजोन या फिर माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे चार कंपनी के नाम दिए गए हैं, आपको बताने हैं इसका जवाब। और सबसे पहले जवाब डीके सिंह का आ रहा है 28वें नंबर प्रश्न का, फिर शालिनी कुमार शिवम बॉस, दीप शिखा, निमिषा राजानंद, कृति सिन्हा, राखी कुमारी, शिवम शुभम, सोनी सतपाल, विकास कुमार, मोहन गुप्ता, सभी लोगों का जवाब ए आ रहा है भाई। और ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोगों ने आज शायद अच्छे तरीके से रिवीजन करके आया है करंट अफेयर्स का। ठीक है, और ए बिल्कुल सही जवाब है 28वें नंबर प्रश्न का। चलिए 29वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देने हैं, 35 प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको, 35 प्रश्न है आज आपके, ना कि 30, भागना नहीं है भाई। हिस्ट्री के प्रश्न हम आखिरी में करेंगे। पोलैंड के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने कार्यकाल में एक और 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है। लाजरस चकवेरा, राफाल प्राजा कुवस्की, मिशेल मार्टिन या फिर आंद्रेज दुदा। आज तक हमें ये नहीं समझ में आया कि भाई बाहर के लोगों का यानी फॉरेन कंट्री के लोगों का नाम डिसाइड कौन करते भाई, इस तरीके का नाम लाजरस चकवेरा। आप थोड़ा एज्यूम करो कि इनके घर वाले इन्हें कैसे बुलाते होंगे, घर वाले को भी थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता होगा, है ना। चलिए 29वें का सबसे पहले जवाब देख लेते हैं भाई किनका आया है। और सबसे पहले 29वें का जवाब शालिनी ने दिया था, फिर कृति सिन्हा, राखी कुमारी, शिवम शिवम बॉस, फिर बाकी के लोगों का जवाब आ रहा है, सतपाल जी का भी जवाब आ गया है, पवन कुमार, स्नेहा कुमारी, मोहन गुप्ता, सभी लोग डी कह रहे हैं। और भाई देख लेते हैं कि सही जवाब क्या है, और डी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों का जवाब आज बहुत ही सही तरीके से आ रहा है, ज्यादातर प्रश्नों के जवाब बहुत सारे स्टूडेंट ने आज सही दिया है, आज बहुत ही मजा आया। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज बहुत मजा आने वाला है। चलिए 30वें नंबर प्रश्न का आप जवाब दें, फिर हम आखिरी के 5 प्रश्न यानी 31 से 35 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे वो हिस्ट्री के होंगे। ठीक है, चलिए अब आप बताएं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। गणेश वासुदेव मावलंकर बोलने के लिए कहिए इंग्लैंड वालों को। ए भाई ये तो फिर बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा, उनके घर वाले परेशान हो जाएंगे, फिर उनका कोई निकनेम रखा जाएगा। शालिनी कुमारी का सबसे पहले जवाब आया है 30वें नंबर प्रश्न का, फिर राखी का आ रहा है, फिर मोहन गुप्ता, कृति सिन्हा, सोनी, सबका जवाब आ रहा है। सोनी को देखो नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। निमिषा राजानंद, चलिए भाई सभी लोगों का जवाब आ रहा है। ये देखो पवन भैया बहुत एडवांस हो चुके हैं, आप 31वें नंबर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। मणिकांत कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है तैयारी शाला के क्यूज नाइट सेशन में। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जब भी किसी प्रश्न का जवाब दें तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें ताकि हमें ये पता चले कि आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। और 30वें नंबर प्रश्न का सही जवाब जो है वो डी है, ज्यादातर लोगों का जवाब डी ही आया है। अब हमें देखना होगा कि भाई 31वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि हिस्ट्री का पहला प्रश्न है कि औरंगजेब मुगल बादशाह था जिनकी मृत्यु कब हुई, 1507, 1607, 1707 या फिर 1807। फटाफट जवाब दें। 31वें नंबर प्रश्न का सबसे पहले जवाब शालिनी का आया है, हम शायद ये पहले भी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होने चाहिए। चलिए फटाफट जवाब दें आप। दीपशिखा का भी जवाब आ गया भाई, लेडीज फर्स्ट फिर से हो गए हैं। डीके सिंह, राखी कुमारी, निमिषा राजानंद, सभी लोगों का जवाब आ रहा है। शिवम शुभम, शिवनाथ कुमार, नीरज सिंघानिया, रोशन आर्या हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, और शायद रोशन आर्या जी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे हैं, आप हमारे साथ रेगुलर रहे हैं, अगर आप घर पे हैं छुट्टी में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रोशन जी। चलिए यहाँ पे सभी लोगों का जवाब आ गया है, अब हम देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। ये आसान सा प्रश्न था, सो सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अब आपको बताना है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ,
ये किनके और किनके बीच लड़ा गया था? एक तो यहाँ पे लिखा गया भाई अकबर, और दूसरे का नाम बताना है आपको, शेरशाह, महाराणा प्रताप, हेमू विक्रमादित्य, या फिर नादर शाह। 32वें नंबर प्रश्न का सबसे पहले जवाब स्नेहा का आया है, फिर किनका आ रहा है भाई देखना होगा, शालिनी का आ रहा है, कुमार शिवम बॉस, सूरज कुमार चौधरी, दीपशिखा, सभी लोगों का जवाब आ रहा है यहाँ पे राखी कुमारी, डीके सिंह, रोशन आर्या। फिर से बहुत ही अच्छा लग रहा है रोशन जी, आप ये देखो नए नए कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जुटे हैं रोशन जी और हमारे साथ हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 32वें नंबर प्रश्न का ज्यादातर लोगों ने जवाब दे दिया है, अब हम इसके सही जवाब ले लेते हैं, और बी बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोगों का जवाब सही है भाई 32वें नंबर प्रश्न का, जिन्होंने भी बी कहा है। चलिए 33वां नंबर प्रश्न, बैक टू बैक, आज कोई फालतू की बात ही नहीं, ठीक है। 33वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बाबर, ब्रिटिश, शाहजहां, या फिर औरंगजेब। ये तो आसान सा प्रश्न है, आप लोगों के जवाब तो सही आने चाहिए। 33वें नंबर प्रश्न का देखिए, सभी लोगों का जवाब सी आ रहा भाई, और शाहजहां पता नहीं क्या क्या बनवा के गए अपनी बेगम की याद में। अब भाई आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी बेगम के याद में क्या बनवा रहे हैं, ये तो कभी लाल किला बना गए तो कभी ताजमहल बना गए। 33वें का जवाब सभी लोगों का आ रहा है भाई, सतपाल जी आप गलत कह रहे हैं, 33वें का डी नहीं होगा, ठीक है। चलिए बाकी के लोग जवाब दे रहे हैं, अब देखना होगा कि भाई सही जवाब क्या है 33वें का, वो सी होगा, यानी लाल किला जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। राहुल जी रेगुलर नहीं रहते हैं, आप भी कुछ बनवाइए भाई, आप लोग बनवाओ, आपसे सीखेंगे तभी तो बनवाएंगे, है ना, हम आप पे डिपेंडेबल हैं, आप पहले बनवा लो उसके बाद। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया था, किसने किया था, वीडी सावरकर, बीजी तिलक, आरसी मजूमदार, या फिर एसएन सेन। 34वें नंबर प्रश्न का जवाब देना है, और सबसे पहले शालिनी का जवाब आ रहा है, फिर सौम्या, कुमार शिवम बॉस, राखी कुमारी, कृति सिन्हा, सूरज कुमार चौधरी, सभी लोगों का जवाब आ रहा है भाई फटाफट, ए सभी लोगों ने कहा है, और ए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, जब आप लोगों ने कहा है तो भाई सही ही होगा। कुतुब मीनार पे दो फ्लोर और बना देते हैं, हाँ जी आरब जी आप कुतुब मीनार पे दो फ्लोर और बनवा लो, फिर उसके ऊपर देखते हैं कि कौन बनाते हैं भाई। 34वें नंबर प्रश्न का सही जवाब ए है, और दीपेंद्र यादव यहाँ पे पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी शाला को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रेगुलर रहें, हम 8:15 में हर रोज क्यूज नाइट का सेशन करते हैं। चलिए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, और आपको पता है कि अंत भला तो सब भला, आपको बताना है कि मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था। 35वें नंबर प्रश्न का जवाब आप दे दें और सही देने का प्रयास करें, हैदर अली, टीपू सुल्तान, चंदा साहब, या फिर मीर कासिम। मीर जफर और मीर कासिम ध्यान रखना, देखो इतना हिंट हमने कर दिया फिर भी कई लोगों का जवाब भाई गड़बड़ आ रहा है। मीर जाफर और मीर कासिम कुछ तो रिलेशन है, चलिए 35 के कई लोग ये कह रहे हैं, कई लोग बी और कई लोग सी। स्नेहा कुमारी का डी आया है, आपने सुना होगा अक्सर कि किसी के मतलब पूर्वजों का नाम जो होता है ना वो लगाते रहते हैं वो टाइटल में। अरब का भी डी आ रहा है भाई, मोनी सिन्हा का डी आ रहा है, बाकी के लोग ए बी सी कह रहे हैं। मीर जाफर और मीर कासिम आप यहां से भी प्रश्न छाट सकते थे, प्रश्न के जवाब है ना, और इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा, ठीक है। अब आप फटाफट बिना मतलब स्कोर गवाए, यहाँ स्कोर बताए हुए यहां से नहीं जाएंगे, आपको उनकी कसम, अब आप समझ जाओ वे किन किस कसम दे रहे हैं हम, ठीक है, आपको स्कोर बता के ही जाना है, आप ऐसे ही चले जाते हो, बाकी के लोग परेशान हो जाते हैं भाई कि हमारा रैंक क्या है, हम कितने नंबर पोजीशन पे हैं, उन्हें ये चेक करने का मौका भी तो दिया जाए। चलिए देखिए सूरज जी ने स्कोर अपना बता दिया है, चलिए बाकी के लोग जवाब दे दें नहीं तो उनकी कसम लगेगी भाई। आरब ने भी अपना स्कोर बता दिया, राखी ने भी बता दिया भाई,
चलिए, सभी लोगों का जवाब आ रहा है, बाकी के लोग आप खुद में ये चीज देख लें कि आपका क्या पोजीशन है। आप 35-40 लोगों में इस पोजीशन पे हैं, तो फिर आप उस तरीके से आपको क्या मेहनत करना चाहिए आप देख लें यहाँ पे। चलिए, सभी लोगों का यहाँ पे जो स्कोर है वो आ चुका है। अब भाई आप बता दें कि भाई कैसा लग रहा है आपको क्यूज नाइट का सेशन। हम स्टार्टिंग में आज साइंस के प्रश्न रखे थे, ये चेंजेस आपको कैसा लगा? क्योंकि जब स्टार्टअप के प्रश्न सही रहते हैं ना, माता रानी की कसम, मोनी सिन्हा कह रही है कि माता रानी का कसम देना चाहिए। माता रानी की कसम दे तो दें, लेकिन आप लोग कई बार गलती फिर भी कर बैठते हैं ना, सो दिक्कत हो जाता है, इसलिए उनकी कसम देना होगा। सेशन कैसा लगा ये बताएं, उसके बाद फिर हम फिर से मिलेंगे कल इसी टाइम। बहुत अच्छा, सतपाल भैया का सबसे पहले कमेंट आया, फिर राखी कुमारी। चलिए सभी लोगों को भाई बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैंने एक बात कहा था, उत्कृष्ट भाई शिवनाथ जी, आपने इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से सीखी है भाई? घर पे रहें, सेफ रहें और रेगुलर रहें, तभी काम होगा। मेरा क्या पोजीशन है आप बता दीजिए। वो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आते हैं सूरज जी, सो हम अगर डिसाइड करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप खुद ही देख ले। कल से हर दिन रहेंगे सतपाल भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चलिए सभी लोगों का आ गया जवाब, घर पे रहें, सेफ रहें, है ना, और रेगुलर रहें भाई। गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम कल इसी टाइम पे। आना नहीं भूलना है आपको, है ना, अपने दोस्तों के साथ आए। चलिए भाई।